हमीरपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर की गलती से हुई महिला की मौत के मामले में एक महीना बीत जाने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने डीसी हमीरपुर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर डीसी कार्यालय में पहुंचे परिजनों ने डीसी हरकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर की गलती से हुई महिला की मौत के मामले में एक महीना बीत जाने पर भी कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने डीसी हमीरपुर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर डीसी कार्यालय में पहुंचे परिजनों ने डीसी हरकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि गांव ब्राहलड़ी की मृतक अमिता कुमारी पत्नी अरुण कुमार की 9 अक्टूबर को पक्का भरोसा स्थित निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान गलत नस कट जाने के बाद मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने पक्का भरोसा चौक पर शव को रखकर प्रदर्शन किया था, जिस पर 2 सप्ताह के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन अब महीना बीत जाने के बाद भी मामले में छानबीन होने पर परिजनों में गहरा रोष पनपा हुआ है। प्रतिनिधि मंडल में आए हुए सुमन भारती ने बताया कि एक महीना बीत जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि डीसी ने मामले में कार्रवाई अंतिम चरण में होने की बात कही है और 1-2 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले में सीएमओ हमीरपुर से भी मिलकर कार्रवाई न होने के कारण को पूछा जाएगा और अगर फिर भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामीण दूसरा कदम उठाने के लिए भी बाध्य होंगे। आज जो हमें जिलाधीश महोदय से आश्वासन दिया गया था कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो जो भी मृतका के खिलाफ मतलब जो कार्रवाई करनी थी हॉस्पिटल के खिलाफ या जो दोषी डॉक्टर थे उनके खिलाफ, तो उसके बारे में हमें 2 सप्ताह का समय दिया गया था। तो उसके तहत ही हम आज जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे सभी ग्रामवासी। तो आज हमें डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई जो है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है, तो उसके तहत सीएमओ साहब से बात की, उन्होंने फ़ोन पे भी बात की है, तो उनसे भी जानकारी मांगी है, तो उन्होंने आज हमें बुलाया है सीएमओ मैडम ने भी, तो उसके तहत हम उनसे मिलने जाएंगे। तो जो भी बयानबाजी होगी, जो भी उसके बारे में हमें पूछा जाएगा, वो ये बताएंगे। क्या मांग की जा रही है? मांग हमने यही की थी कि हमें क्या कार्रवाई हुई है दोषियों के खिलाफ, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए कि वो कार्रवाई चली हुई है कि वो ठंडे बस्ते में पड़ गई है। तो आज डीसी साहब ने यही बताया कि आप जाइए मैडम से मिलिए, उन्हें आज बात भी की डीसी साहब ने मैडम से कि जो कार्रवाई है वो हमने पूरी कर ली है, जो दूसरे पक्ष से पूछना था वो भी पूछ लिया, तो अंतिम जो भी है हमारा पक्ष वो आज जानेंगे, तो उसके तहत जो वो 1-2 दिन में हमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बार-बार डीसी साहब से रखी कि क्या कारण था कि अभी हमें 2 सप्ताह का समय दिया था लेकिन वो 3 हफ्ते बीत गए हैं लेकिन अभी तक हमें किसी भी तरह का कोई भी उसके उपलब्ध उसके बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है। तो ये डीसी साहब ने आज सीएमओ से भी बात की कि क्या कारण है इसका, तो उन्होंने भी ये हवाला दिया कि कुछ डॉक्टर जो थे वो छुट्टियों पर थे, तो इस वजह से जो वो अब कार्रवाई चली हुई है, तो अब अंतिम चरण में वो पहुंच चुकी है। हमने लिखा हुआ कि अगर ऐसा ही रवैया रहा प्रशासन का तो हमें किसी और कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, तो आज हमने ये प्रशासन को भी इसके बारे में ज्ञात करवा दिया है कि ऐसा ना हो कि हमें कोई और कदम जो है वो उठाना पड़े। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।